तो देखिए यहाँ पर सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें हैं वो जल्द आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर को राजस्थान को अपना नया सीएम मिल जाएगा। राजस्थान की गद्दी जो कई दिनों से खाली पड़ी हुई है, और कार्यवाहक के तौर पर अब गहलोत जो है वो इस गद्दी को संभाल रहे थे, पर अब नए सीएम भजन लाल शर्मा होंगे। तो देखिए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुखिया के तौर पर काम करेंगे। राजस्थान का ताज भजन लाल शर्मा के सर पर सजेगा। इसके साथ ही देखिए दो और बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें दिया कुमारी एक ऐसा नाम है जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, दिया कुमारी डिप्टी सीएम, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डेप्यूटी सीएम बनेंगे, और वहीं वासुदेव देवनानी भी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। चार अलग अलग तस्वीर और राजस्थान के चार बड़े मुख्य चेहरे। देखिए ये वो चेहरे हैं जो अब राजस्थान पर राज करेंगे। राजस्थान की राजनीति अब इन चेहरों के बलबूते पर चलेगी। और वहीं एक तरफ तो राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल गया, और वहीं इस पर सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा, एक बार उस पर फिर नजर डाल लीजिए। शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया जी, माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, इनकी शपथ ग्रहण भव्य समारोह में पूरे प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि, सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। और हम इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को और अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में आने का सबको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे। एक भव्य समारोह होगा, राम निवास बाग में कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो सभी माननीय विधायकों के साथ राय शुमारी के बाद निर्णय होता है, आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन अशोक गहलोत साहब, आपके लीडर अपोजिशन के लिए क्या शुरुआत है उस बैठक में कि हाईकमान जो कहेगा उसके आदेश की पालना करेंगे, वो भूल गए क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सबकी राय के आधार पर ही निर्णय होते हैं।